जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के अपने इस अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर के आई एक अपडेट से। दोस्तों, तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम सब अलग अलग रिपोर्ट्स में इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि तेजस मार्क टू की टेक्नोलॉजी को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दरअसल तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट एक बड़ी संख्या में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदे जाएंगे और इनमें हमें सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम देखने को मिलेगा, जिनकी सहायता से जो वेपन इंटीग्रेशन है ये भी काफ़ी फास्ट होगा। और इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम में जो एडॉप्टेबल सॉफ्टवेयर है इनको प्राथमिकता दी जाए, ताकि आने वाले समय में भी ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपग्रेड किए जाते रहे और जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है ये किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होती हैं इनमें महीनों या सालों का समय लग जाता है डेवलपमेंट और टेस्टिंग में, लेकिन तेजस मार्क टू प्रोग्राम में हमें एडॉप्टेबल सॉफ्टवेयर में फोकस होता दिखाई पड़ेगा। ये इंडियन एयरफोर्स को अलाउ करेगा कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट है या सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज़ हैं इन्हें कुछ ही हफ्तों के टाइम फ्रेम में अपग्रेड किया जा सकेगा और भारतीय वायुसेना की ज़रूरत के हिसाब से इन्हें मॉडिफाई भी किया जा सकेगा। इसके अपने बड़े बेनिफिट्स हैं। तेजस मार्क टू में हमें बहुत ज़्यादा एडवांस सेंसर सूट और एवियोनिक्स देखने को मिलेंगे और इसमें एक वाइड एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को पायलट के सामने रख सकती है। लेकिन यहीं पे जो सॉफ्टवेयर है इसका जादू शुरू होता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक ब्रिज के तौर पर काम करते हैं, जो कि अलग अलग सेंसर्स से और जो सिस्टम है उनसे डेटा को कलेक्ट करके पायलट के सामने एक डिस्प्ले में रखते हैं, ताकि पायलट उनको इजीली एक्सेस कर सके और सारी चीज़ें क्लियर और कंसाइज मैनर में होती है। अब यहाँ पर इसका बेनिफिट यह होता है कि पायलट के पास काफ़ी कम समय में जो डिसीजन मेकिंग है इसका अवसर होता है, और इसका सीधा इफेक्ट हमें कॉम्बैट के दौरान देखने को मिलता है, क्योंकि जितना जल्दी डिसीजन मेकिंग होगी सिचुएशनल अवेयरनेस उतनी इम्प्रूव होगी और मॉडर्न एयर कॉम्बैट में सक्सेस के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तेजस मार्क टू में जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया है वो ओपन आर्किटेक्चर है, जिसका मतलब ये है कि जो कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं ये तो अनटच रहेंगी, लेकिन जो टैक्टिकल मैनेजमेंट पोर्शन है इन्हें इजीली अपग्रेड किया जा सकेगा। और ऐसे में एयरक्राफ्ट में जो नए वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन हो गया, नए टेक्नोलॉजीज़ का अपडेट हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी के साथ पूरी की जा सकेंगी। और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पूरा सहयोग प्रदान करेंगे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। जी हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अपग्रेड की जो क्रिटिकल जिम्मेदारी है इसका निर्वहन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा, और ये काम वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन में करेंगे, जिनका एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा और कॉम्बैट ओरिएंटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं और जो अपग्रेड्स हैं ये तुरंत तेजस मार्क टू में मेंटेनेंस या दूसरे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके सहारे से प्रदान कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक सॉफ्टवेयर को विकसित करना आसान काम नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत ही पेचीदा काम होता है, जहां पर हमें हज़ारों जो लाइंस के कोड हैं वो लिखने पड़ते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि पायलट की सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सके। और तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट, जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको भी कैरी करेगा, तो ऐसे में इसे एक रोबस्ट और मॉडर्नाइज प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया जा रहा है, और संभावित है कि 2025 के अंत तक ये एयरक्राफ्ट हमें रोल आउट होता दिख जाए। क्योंकि ऑलरेडी हमें अपडेट्स में ये एचएएल के द्वारा बताया जा चुका है कि तेजस मार्क टू अपने असेंबली लाइन में आ चुका है, जहाँ पर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, और माना जा रहा है कि 2025 के मध्य या अंत तक इसका रोल आउट संभावित है, और मार्च 2026 में इसकी जो पहली उड़ान है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। टोटल इसके 5 से 6 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। शुरुआती जो 3 प्रोटोटाइप होंगे ये वेब सिस्टम और एवियोनिक टेस्टिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे, और बाकी के जो प्रोटोटाइप होने वाले हैं ये वेपन इंटीग्रेशन और वेपन टेस्टिंग को वैलिडेट करने के लिए यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया को लेकर के। हाल ही में सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने साउथ कोरिया की जो कोरिया एयरोस्पेस इंडस्ट्री है इसके अधिकारियों से बातचीत करी है, और माना जा रहा है ये जो डिस्कशन है ये कोरिया के KF-21 बॉरमी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के किया गया है, जहां पर ये दोनों देश इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं, और माना जा रहा है कि ये दोनों देश इस समय एडवांस फाइटर्स की तलाश में है।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाला भविष्य फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का है। लेकिन जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तो डिफेंस के गलियारों में एक और नई डिबेट ट्रिगर हुई है कि क्या ये भारत के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात इस समय फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश में है। जबकि हम सब जानते हैं कि KF-21 बॉरमी फिलहाल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और अभी ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर क्राफ्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें जो इंटरनल वेपन बे है ये मिसिंग है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि बोरामी का जो ब्लॉक 3 वेरिएंट होगा वो इंटरनल वेपन बे के साथ देखने को मिलेगा और ये 2030 से 32 तक हमें देखने को मिल सकता है। और ये ठीक यही टाइम फ्रेम होगा जब भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark 1 रोल आउट हो चुका होगा और अपने इंडक्शन की तैयारी कर रहा होगा। तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि गल्फ नेशन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारत को भी ये चाहिए कि अभी से इसकी जो मार्केटिंग है इसको प्रमोट किया जाए और भारत अपने एडवांस स्टेल्थ फाइटर क्राफ्ट के बारे में जो जानकारी है वो साझा करे। क्योंकि अगर आप KF-21 से AMCA को कंपेयर करते हैं तो अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है, जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है, उसमें ये ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है पोटेंशियल बायर्स के लिए, क्योंकि AMCA एक ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी और कई स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस सेंसर समय देखने को मिलने वाले हैं। और इसीलिए जो इंडियन डिफेंस ऑफिशियल हैं इनको लेकर के ये कहा गया है कि इन्हें अपने जो काउंटर पार्ट है गल्फ नेशन में इनको रीच करना चाहिए और AMCA की पोटेंशियल को हाईलाइट करना चाहिए और कोलैबोरेशन का आमंत्रण भी देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का कोलैबोरेशन ही आगे चल के एक्सपोर्ट ऑर्डर का रूप ले सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है रॉयल नेवी से। रॉयल नेवी ने हाल ही में एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू किया है, जहां पर वो एक लॉन्ग रेंज की एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन की तलाश कर रहे हैं जिन्हें Mark 41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च किया जा सके। और ये ठीक उसी प्रकार के रिक्वायरमेंट है जो कि भारत के टॉर्पीडो मिसाइल, जो स्मार्ट टॉर्पीडो मिसाइल कॉन्सेप्ट है, उससे मैच करती है। दरअसल रॉयल नेवी ऐसे सॉल्यूशंस की तलाश में है जहां पर जो मिसाइल या रॉकेट डिलीवरी सिस्टम है ये लाइटवेट टॉर्पीडो को डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाए एक्सटेंडेड रेंजेस तक। हालांकि वो अनमैन सिस्टम को भी कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर के वेपन सिस्टम है। करंट उनका फोकस जो है ये मिसाइल बेस्ड अप्रोच पर है और जो रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है भारत के इंडियन स्मार्ट सिस्टम से। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस समय भारत का जो स्मार्ट सिस्टम है ये UK की नज़र में बना हुआ है और आने वाले भविष्य में इसको लेकर के बातचीत भी हो सकती है। अब अगर हम DRDO के स्मार्ट सिस्टम की बात करें तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम है जिसको इस प्रकार से डिज़ाइन और डेवलप किया गया है कि ये लाइटवेट टॉर्पीडो को कैरी कर सकता है और लंबी दूरी तक उनको लॉन्च करने में सक्षम है। दरअसल इसमें 2-stage सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो कि लंबी दूरी तक जो टॉर्पीडो है इनको लॉन्च कर सकता है और इससे जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और इस समय रॉयल नेवी को इसी प्रकार की जो स्मार्ट वेपन सिस्टम है इनकी ज़रूरत है और इसीलिए माना जा रहा है कि इस समय भारत का ये सिस्टम उनकी नज़र में है और आने वाले भविष्य में संभावित जो कोलैबोरेशन है इस क्षेत्र में वो देखने को मिल सकता है, जहां पर रॉयल नेवी भारत से इन सिस्टम की डिमांड कर सकता है और अपनी जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है इसको इन्हेंस कर सकता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत के सामने एक बड़ी जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है वो इस समय मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।